Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion. विफाकी वजारत बराए मजहबी उमूर की तरफ से जारी करदा मकतूब का उर्दू खुलासा। दावत इस्लामी एक गैर सियासी पुरअमन सबसे बड़ी मजहबी तहरीक है जो कि मुल्क और बैरून मुल्क कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाम का पैगाम आम करने में मसरूफ़ अमल है। ये तहरीक मुकम्मल गैर सियासी होने के साथ साथ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पाक है। विफाकी वजारत बराए मजहबी उमूर इस तहरीक के नेकी की दावत आम करने के अंदाज और इससे मुताल्लिक दीगर तमाम उमूर से मुतमईन है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नेक और सालेह औलाद अल्लाह ताला का अदीम इनाम है। सालेह औलाद पाने के लिए अल्लाह ताला के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ की है। चुनाचे पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 38 में सैयदना ज़करिया अला नबीना वाली सलातु सलाम की दुआ इन अल्फाज से मनकूल है। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जमा कंजुल ईमान। ए मेरे रब अज़्ज़ वजल, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। यह हकीकत है कि औलाद के नेक या बद बनने में वालिदैन की तरबियत को बड़ा दखल है। अफसोस आज वालिदैन अपनी औलाद को दुनियावी उलूम व फ़नून सिखाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते, मगर अपनी औलाद की सुन्नतों के मुताबिक तरबियत करने में कोताही करते नज़र आते हैं। याद रहे, औलाद की दुरुस्त तरबियत माँ बाप की अहम जिम्मेदारी है। चुनाचे पारा 28 सूरत ताहरीम आयत नंबर 6 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। तर्जमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया की बरकत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में दीगर फ़राइज़ व सुनन के साथ साथ औलाद की तरबियत के बारे में भी मदनी जहन दिया जाता है और बेशुमार वालिदैन इस मदनी माहौल की बरकत से अपनी औलाद को सुन्नतों के सांचे में ढालते नज़र आते हैं। तरबियत औलाद के इस अहम मौजू पर दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में होने वाले सुन्नतों भरे हफ्तावार इज्तिमा में दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आप भी इस बयान को अव्वल ता आखिर सुनने की सआदत हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तरबियत औलाद से मुतालिक बेशुमार मदनी फूल हासिल होंगे। इस बयान की वीसीडी दावत इस्लामी का इशाअती इदारा मकतबतुल-मदीना मुख्तलिफ मवाक़े के मनाजिर और आवाज़ की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं, जिनमें से एक फजीलत यह भी है कि आकाए मदीना राहत कल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाईस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तआला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक का गुजर कब्र के पास से हुआ। आपने मुलाहिजा फरमाया कि साहिब कब्र पर अजाब नाजिल हो रहा है। फिर कुछ वक्फे के बाद गुजरे तो मुलाहिजा फरमाया कि वो शख्स जिस पर अजाब नाजिल हो रहा था उसकी कब्र में नूर ही नूर है और वहां रहमत इलाही अज़्ज़ा व जल्ला की बारिश हो रही है। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल्ला में अर्ज की कि मुझे इसका भेद बताया जाए, इसमें क्या राज है। चुनाचे इरशाद हुआ, ए ईसा अलैहिस्सलाम, यह शख्स सख्त गुनहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने बीवी हामला छोड़ी थी, उसके लड़का पैदा हुआ और आज उसको मकतब भेजा गया। उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ा ही मुझे हया आई कि मैं जमीन के अंदर उस शख्स को अजाब दूं जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो 10 जमातियुल उला 1429 सीने हिजरी को होने वाले दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में जमा हैं। दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा जारी है। इस हिकायत पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि बच्चा अगर अल्लाह का नाम लेने वाला हो, बच्चा नेक हो, नेकी की राह पर चले, नेकी के काम करे, तो दुनिया से जाने के बाद भी उस बच्चे के वालिदैन को उसकी नेकी, उसकी परहेजगारी और उसकी अच्छी